अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ लॉ। ये LLB पार्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर और के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि रिगार्डिंग है ज्यूरिसप्रूडेंस। तो लॉ के जो है थ्री काइंड्स हैं, कौन कौन से? एक है डिवाइन लॉ, एक है नेचुरल लॉ, एक है पॉजिटिव लॉ। सबसे पहले आते हैं कि डिवाइन लॉ क्या है। डिवाइन लॉ वो लॉ जो कि रिलेट करे रिलीजन के साथ, जो कि रिलेट करे क्रिएटर के साथ, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब का हो। कुछ ऐसे लॉज और रेगुलेशंस हैं जो कि उस मज़हब के साथ रिलेट करते हैं, और फिर वो जो है पूरी गवर्नमेंट, पूरी जो है कंट्री के साथ बिलोंग करते हैं ड्यू टू रिलीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल के पाकिस्तान के अंदर कुछ पनिशमेंट्स ऐसी हैं जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम है, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है। इसी तरीके से और ममालिक में जो है वो ऐसे लॉज जो कि रिलेट करें रिलीजन के साथ, रिलेट करें क्रिएटर के साथ, तो उसे हम कहेंगे डिवाइन लॉ। उसके बाद है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन होल यूनिवर्स, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जो कि एप्लीकेबल हो पूरी की पूरी कायनात पर या पूरी की पूरी जो है यूनिवर्स पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के कुछ लीगल लेटरेंट टर्म्स ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल हैं सब के ऊपर, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे आल्ट्री अल्ट्रम पल्ट्रम है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि किसी को भी बिना सुने ही उसको फांसी नहीं दी जाएगी। या फिर ऐसे और भी लिटरल जो है लेटरेंट मैक्सिम्स हैं जो कि सारे के सारे एप्लीकेबल हैं पूरी होल वर्ल्ड के लिए। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर ऐसे कई लॉज हैं जो कि कुदरत के बनाए हुए कानून हैं। जैसे कि सूरज जो है फजर में निकलता है, मगरिब में डूबता है, इस लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये है नेचुरल लॉ यूनिवर्स विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स। तो ये एक है नेचुरल लॉ, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या है? पॉजिटिव लॉ जो है मैन मेड लॉ है। मैन मेड लॉ ऐसे कानून, ऐसे कवानीन जो कि इंसानों ने बनाए हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट के थ्रू ही क्यों ना हो। पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई भी एक्ट, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी जो है लॉज बनते हैं, तो वो आएंगे पॉजिटिव लॉ थ्योरी के अंदर। ठीक है, अब उसकी डिफरेंट दो काइंड्स हैं। उसकी दो डिफरेंट काइंड कौन कौन सी हैं? एक है म्यूनसिपल लॉ, एक है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। इंटरनेशनल लॉ कोई भी ऐसा लॉ जो कि कंसिस्ट करे रूल्स और रेगुलेशन के साथ और गवर्न करे पूरे स्टेट के साथ, ठीक है, और रिलेशंस बिटवीन देयर स्टेट्स। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लॉ वो लॉ जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब आप जो है थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आएंगे तो आप पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जो लॉ ये बताता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, उनके बीच में रिलेशंस को कायम रखने के लिए लॉज जो बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद जो है वो है म्यूनसिपल लॉ। अब म्यूनसिपल लॉ के दो काइंड्स हैं, कौन कौन सी? एक है पब्लिक लॉ, एक है प्राइवेट लॉ। म्यूनसिपल लॉ वो लॉ जो कि सिर्फ एप्लीकेबल हो इस कंट्री के ऊपर, या कोई भी ऐसा लॉ जो कि एप्लीकेबल हो सिर्फ एक ही मखसूस कंट्री के ऊपर, वो कहेंगे, उसे हम कहेंगे म्यूनसिपल लॉ। म्यूनसिपल लॉ के अंदर आता है पब्लिक लॉ और आता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ वो लॉ जो कि पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट जनरल हो, कोई भी ऐसा लॉ जिसके अंदर पब्लिक इन्वॉल्व हो, ज़्यादा तादाद के लोगों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, बिटवीन लीगल अथॉरिटीज़ और पब्लिक विद गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो कि लोगों के और गवर्नमेंट के दरमियान कायम रखने के लिए है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के बिटवीन द लीगल पर्सन, बिटवीन द लीगल अथॉरिटीज़ और पब्लिक, ठीक है, ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल है और जो है गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में रिलेशंस कैसे कायम होने चाहिए, उनके बीच के जो लॉ है वो, उन्हें हम कहेंगे पब्लिक लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कि लोगों के क्या क्या लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट के क्या लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं पब्लिक के ऊपर, ये सारे के सारे डिफाइन करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी मुल्क का हो, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन करता है, वो आता है पब्लिक लॉ के अंदर। और इसी के साथ साथ क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है दो चीज़ आती है, एक आता है सब्सटेंटिव लॉ, एक आता है प्रोसीजरल। ठीक है,
अब ये सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ क्या है, ये आप जो है थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे कि सब्सटेंटिव लॉ वो जिसके अंदर पनिशमेंट डिफाइंड की गई है और प्रोसीजर लॉ वो कि जो कि प्रोसीजर डिफाइंड करता हो, वो आगे चल के मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या है कि एक है सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव वो लॉ है जैसे कि पाकिस्तान पेनल कोड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट और ऑफेंसेस डिफाइंड है। अब प्रोसीजरल लॉ क्या है, प्रोसीजरल लॉ वो लॉ है जो कि आप के सामने अगर कोई क्राइम कमिट होता है उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR दर्ज करवाने, ठीक है, FIR से लेके आखिरी ट्रायल के आखिरी जजमेंट तक जो भी प्रोसीजर है वो सारा का सारा डिफाइंड है प्रोसीजरल लॉ में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग ये अगर आपको इसके रिगार्डिंग का लेक्चर सुनना है तो आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन PPC एंड CRPC का। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी ये एक लॉ है जो कि ये बताता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्या हैं, उसके साथ साथ उनकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और उनको जो पावर्स डेलीगेट करते हैं वो पावर्स उनके कौन कौन से, वो अपने पावर्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइवेट लॉ, ठीक है, प्राइवेट लॉ के अंदर कौन से आते हैं, प्राइवेट लॉ विच रेगुलेट बिटवीन पीपल, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के दरमियान ही इन्वॉल्व हो, लोगों के दरमियान ही जो है इन्फोर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ टॉर्ट, सिविल लॉ। जैसे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशंस बिटवीन पब्लिक, रिलेशंस बिटवीन पीपल। अब दो लोग हैं, दो लोग के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, दो लोगों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दो लोगों के बीच में जितने भी लॉज हैं वो आते हैं प्राइवेट लॉ में, ठीक है। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हम कोई भी चीज़ खरीद और फरोख करते हैं उसके क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, तो वो सारी की सारी आती हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह ट्रांसफ़र किया जाए, ये भी लोगों के दरमियान का ही लॉ है। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट कि अगर आपको जो है कोई चोट पहुँचा दे, अगर आपका जो है कोई सिविल टॉर्ट क्लेम, टॉर्ट आपको क्लेम करना है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको सिविल लॉ के अंदर जब हम जाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई भी केस चल रहा है तो वो भी आता है सिविल लॉ में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर जो कि जिसके अंदर हमने डिफाइंड किया कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है। ज्यूरिसप्रूडेंस का एक ये अहम लेक्चर था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और ये तकरीबन जो है क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी पार्ट वन के अंदर के वा डिफाइन द काइंड्स ऑफ लॉ विद देयर थ्योरीज। तो ये आप जो है पूरा का प्रोसीजर अपनी कॉपी पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं। थैंक यू डेट सर।